नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धनु राशि वालों, दोस्तों विजय श्री का तिलक माथे पर लगेगा। आने वाले 7 दिनों में रंग भी राजा बनने वाले हैं, परंतु दोस्तों आपको यश में कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होंगे। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 7 दिनों में घरों की बहुत ही शुभ स्थिति बनने वाले हैं। जी दोस्तों, यश में कुछ ऐसे धनियों का निर्माण होगा जो कि आपको रंग से राजा बना सकते हैं, जो कि आपके जीवनकाल में कई प्रकार के बड़े उपलब्धि आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आप सभी से बस निवेदन यही है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो में बताई जाने वाली हर एक छोटी सी बात आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि साबित होंगी। तो दोस्तों, कोई भी बातों को मिस ना करें। जो भी उपाय, जो भी सावधानियां इस वीडियो में है, सभी को आप ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, आपका जीवन यशमय रंग से राजा तक तय करेगा। दोस्तों, इस बात की गारंटी है। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री राम। दोस्तों, भगवान श्री राम की असीम कृपा आपके जीवनकाल पर रहेंगे और आपको सभी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले 7 दिनों में ग्रहों की जो स्थिति होगी, जो इनका प्रभाव होगा आपके प्रत्येक क्षेत्र पर, क्या क्या होने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां और कौन कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है, आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार, कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात से, जो कि दोस्तों आपको भी अपने जीवनकाल में याद रखने हैं। दोस्तों यकीन मानिए, इन बातों को अगर आप अपने जीवनकाल में याद रखेंगे तो दोस्तों आने वाले जो भी समय आपका बचा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यूं कहें तो आपका जीवन ही धन्य हो जाएगा। तो दोस्तों, इन बातों को भी आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये दोस्तों कि दोस्तों, कदर करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है कि वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से, अगर अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। आखिर गुरूर किस बात की करें, आज मिट्टी के ऊपर है तो कल मिट्टी के नीचे। ये दोस्तों, अगर आपको इन बातों में सच्चाई नजर आ रही हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों, के साथ बात करते हैं कि आने वाले 7 दिनों के अंदर आप शिविर के जीवनकाल में जो घरों का निर्माण है, इनकी वजह से आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन सी बड़े बदलाव होंगे, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां आपको मिलेंगी। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण काम बन जाने से आप राहत महसूस करेंगे और आपका आत्मविश्वास और आत्मबल भी यश में बढ़ेगा। यश में अपने राजनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करें, उनसे दोस्तों कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने के योग बन रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि किसी राजनीतिक संबंध में आपकी छवि खराब ना हो, परिचयों से किसी प्रकार का झगड़ा या फिर कहासुनी होने की स्थिति बन रही है, किसी के मामले में इसमें हस्तक्षेप करने से आप दूर रहें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि परिवार के लोगों के साथ नजदीकियाँ बनाए रखने के लिए आपको प्रयत्न करने होंगे, खासकर परिवार के बच्चों के साथ जुड़े रहने की आप कोशिश करें। दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के साथ की यात्रा आपको आनंद दिलाएगी, फिर भी दोस्तों यात्रा करते समय परिवार के बच्चों की सेहत की तरफ ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपकी विशेष योग्यता व फिर काबिलियत लोगों के सामने भी आएंगी, अपनी उपलब्धियों का आप यश में भरपूर उपयोग भी कर पाएंगे। कुछ समय बच्चों तथा घर की समस्याओं को सुलझाने और उनके काम में मदद करने में अवश्य व्यतीत करें। दोस्तों ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों दिन महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने का बहुत ही अच्छा समय होगा, बहुत ही सर्वोत्तम समय होगा, क्योंकि दोस्तों यश में ग्रह गोचर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी प्रदान कर रहा है। तरक्की के उचित अवसर भी आज में आपको मिलेंगे। संतान द्वारा कोई शुभ समाचार भी मिलने से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। कभी कभी दोस्तों आत्मविश्वास में कमी और आलस की वजह से बनते कार्यों में भी रुकावट आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। अपनी इन कमियों को दूर करने का आपको यश में प्रयास करना चाहिए। दोस्तों किसी भी काम को टालने का प्रयास ना करें। यश में विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान अधिक देने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि नींद ना आने की वजह से आपको इसमें उदासीनता और कमजोर महसूस करेंगे।
लोगों द्वारा आपके ऊपर हो रही टिप्पणी को सही जवाब न दे पाना आपको इसमें दुख के प्रति जो है नाराज कर सकता है। दोस्तों, हर नकारात्मक परिस्थिति को सुलझाने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी कुछ परिस्थितियों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। इस बात को यशमय आपको समझना चाहिए। इसको प्रणाम दोस्तों, यशमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि समय के साथ किए गए कार्यों के परिणाम भी आपको उचित प्राप्त होते हैं, इसलिए दोस्तों यशमय ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस बात को आपको यशमय दिल और दिमाग पर रखना चाहिए तथा आपकी सकारात्मक और संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आप सभी कार्यों को संपन्न होते देख पाएंगे। साथ ही दोस्तों, यशमय अपने अहम पर जो है नियंत्रण रखें, इसकी वजह से कुछ संबंध भी आपके खराब हो सकते हैं। ज़्यादा सोच विचार करने से भी आपके महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके हाथ से भी निकल सकती है। तो दोस्तों, इन सब बातों पर आपको यशमय गौर करना चाहिए, इसलिए दोस्तों यशमय अपने निर्णयों को तुरंत ही आप ले लें, इनका अंजाम दे दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसको उपरांत दोस्तों यशमय समाज कल्याण के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता भी प्राप्त होगी। व्यक्तिगत बातों को नज़रअंदाज करके अन्य बातों में खोए रहना आपको फिलहाल खुशियां देगा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं, इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसको उपरांत दोस्तों यशमय, अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यशमय पिछले कुछ समय से व्यवसायिक स्तर पर किए गए बदलाव से यशमय बेहतरीन परिणाम आपको मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, पेशे के लेन देन संबंधी काम ना करें, क्योंकि किसी प्रकार के विवाद जैसी स्थिति बन रही है। आय के स्रोत बढ़ेंगे, साथ ही खर्चे भी आपके बढ़ने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यशमय कार्य क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों कुछ धीमी ही रहने वाली है। सहयोगियों तथा कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार का मतभेद भी हो सकता है, जिसका असर व्यवसायिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। दोस्तों, नौकरी पेशा लोग अपनी फाइलें व फिर दस्तावेज ध्यानपूर्वक संभाल कर रखें, दोस्तों ये आपका दायित्व तो होगा। इसको प्रांत दोस्तों यशमय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में अपने कार्य प्रणाली में जो बदलाव किया है उससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तथा जल्दी ही भविष्य संबंधी लाभदायक स्थितियाँ बनेंगी। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने लक्ष्यों को किसी अधिकारी की मदद से हासिल करने में भी सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बिजनेस में किसी अनुभवी इंसान का सहयोग व फिर सलाह कई रुकी हुई गतिविधियों में दोबारा कार्य करने में आपकी मदद करेंगी और दोस्तों आपको सफलता भी दिलाने वाली है। दोस्तों, किसी ऑफिशियल यात्रा भी आपको करना पड़ सकता है। नौकरी में किसी वजह से प्रमोशन रुकने जैसी स्थितियां भी बन रही है, तो दोस्तों यशमय सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी के संबंध यशमय उत्तम बने रहेंगे। परिवार के साथ किसी धार्मिक उत्सव संबंधी आयोजन में भी सम्मिलित होने की आपको मौका मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें घर की व्यवस्था को उचित बनाए रखने में जीवन साथी का पूर्ण सहयोग रहेगा। युवा वर्ग घूमने फिरने तथा डेटिंग का आनंद भी यशमय ले सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पारिवारिक सदस्यों के साथ उनकी जरूरत संबंधी चीज़ों का शॉपिंग करना तथा उनके साथ समय व्यतीत करना संबंधों को और अधिक खुशनुमा बनाएगा। प्रेम संबंधों में भी यशमय नजदीकी आने वाली है। और इसके साथ दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर हल्की फुल्की तकरार भी रहेगी, परंतु जरा सी सूझबूझ व फिर आपसी समझदारी द्वारा परिस्थितियों को आप संभाल भी पाएंगे, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यशमय, अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यशमय मांसपेशियों व फिर घुटनों में खिंचाव की स्थिति रह सकती है, दर्द जैसी समस्या भी रह सकती है। व्यायाम और योगा पर आप ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें यशमय गले और फिर छाती में कफ होल्ड होने की वजह से आप परेशान भी रह सकते हैं। लापरवाही ना बरतें और इसका उचित इलाज करें, दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो नुकसान आपका बढ़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें अगर आप सावधानी को रखेंगे तो यशमय आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। साथ ही दोस्तों यशमय आपको वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से लापरवाही बरतना आपके लिए उचित नहीं होगा। सुरक्षा संबंधी नियमों का भी पूरी तरह से आप पालन करें, दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही बेहतर होंगे। सोच विचार करने से सिर दर्द तथा तनाव भी रहेगा, इसलिए समय समय पर आराम भी करें तथा कुछ समय ध्यान और मेडिटेशन में व्यतीत करें। दोस्तों ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर साबित होंगे, तो इन पर ध्यान दें।